कौन, क्या है मेरा स्वरूप, क्या है मेरा लक्ष्य, मैं इस दुनिया में क्यों आया, कैसे मैं अपना जीवन जीऊं। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में कैसे मैं अपना जीवन जीऊं, जिससे मैं स्वस्थ, शक्ति, आनंद, ज्ञान एवं प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकूं। आत्म ध्यान आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बना सकता है। आंखें बंद कर लें सभी, पीठ कमर गर्दन सीधी, चश्मा आदि चाहे तो उतार सकते हैं, चाहे तो बाएं हाथ पर दाएं हाथ रख लें अथवा पहली अंगुली और अंगूठा मिला करके ज्ञान मुद्रा में एक लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें, और एक लंबा गहरा सांस लें धीरे धीरे छोड़ दें। मैं आत्मा सिर से पांव के अंगूठे तक आत्मप्रदेश विद्यमान है, उन आत्मप्रदेशों में प्रति पल प्रति क्षण प्रकंपन चल रहा है, जो भी वाइब्रेशन्स हमें महसूस हो रहे हैं, सुखद दुखद संवेदन जो हो रहे हैं, उन सब को जानने की जिसकी क्षमता है वो है आत्मप्रदेश। मूल आत्मा के आत्मप्रदेश जैसा शरीर मिलता है उस शरीर में फैल जाते हैं, हाथी के शरीर में हाथी की तरह फैल जाते हैं, चींटी के शरीर में चींटी की तरह फैल जाते हैं। आत्मप्रदेशों का स्वभाव संकुचन और प्रसारण है, असंख्यात आत्मप्रदेशी प्रदेश इस आत्मा में विद्यमान है, जो वर्तमान में हमारे शरीर प्रमाण में है। सिर से पांव के अंगूठे तक, पांव से सिर के अंगूठे तक अपने आत्मप्रदेशों का अनुभव करेंगे। मैं यहाँ से एक एक अंग का उच्चारण नाम लूँगा, आप उस अंग को शांत शिथिल जड़ होता हुआ महसूस करेंगे, पर उसके पीछे जो अनुभव करने वाली आत्मशक्ति है उसको सिर्फ जानेंगे देखेंगे। सिर, सिर के बाल, बुद्धि, बुद्धि का सारा ज्ञान शांत शांत शिथिल, सिर के सिरे पर जो भी प्रकंपन अनुभव हो रहा है उसे सिर्फ जाने देखें और आनंद में बने रहें, जिस रूप में भी हो रहा है सिर्फ उसे अनुभव करें। ऊपर की खोल शांत है, भीतर अनुभव करने वाले को जानना है देखना है। पूरा सिर देख लीजिए, फॉरहेड, सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, रिलैक्स, आईज, आईब्रोज,
आंखें, आंखों की भौहें शांत, शिथिल, रिलैक्स। पीछे जो हो रहा है उसे अनुभव कीजिए। वे ही आत्मपदेश हैं जो आपको सुखद दुखद अनुभव करवाते हैं। कान, ईयर, नोज, होंठ, लिप्स, गाल, चीक्स, ठुड्डी, चिन, नेक, गर्दन, गर्दन से ऊपर का पूरा शरीर शांत, रिलैक्स। और वहाँ पे जो भी आत्मपदेशों में प्रकंपन हो रहा है उसे सिर्फ जाने देखें और शांत बने। दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, आर्म्स, हैंड, दोनों हाथ, कलाई, हथेलियां, हथेलियों में प्रकंपन को महसूस करें। वहाँ आठ प्रदेशों का प्रकंपन चल रहा है। केवल जाने देखें। जैसा प्रकंपन हाथों में चल रहा है ऐसा पूरे शरीर में चल रहा है। जैसे जैसे आपका चित्त शांत होता जाएगा, शरीर स्थिर होता जाएगा, वो फ्लो आपको महसूस होगा। पूरे दोनों हाथ, कलाई, एक एक पोर, छाती, चेस्ट, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बायां भाग, दायां भाग, रिलैक्स। मूल केंद्र, अनाहत चक्र, आत्मा का मूल स्थान, जो दोनों छाती के मध्य, तीन अंगुल ऊपर, तीन अंगुल नीचे का स्थान है, वहाँ जो भी प्रकंपन हो रहा है महसूस करें। ऊपर का ढांचा शांत है, भीतर के प्रकंपन को केवल दृष्टाभाव से देखें, जाने। पेट, पेट का दायां भाग, बायां भाग, अंदर का पूरा सिस्टम शांत हो गया है। नाभि का स्पंदन, उसके पीछे जो भी हो रहा है उसे महसूस करें। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी शांत, शिथिल, रिलैक्स। एंड सी एंड वॉच व्हाट इज हैपनिंग इन द आत्मप्रदेश। बैक साइड, कंधे, बैक बोन, एवरी मन का, प्रत्येक मन को देखें, मनके को देखें, एक एक साइड को देखें, शिथिल, रिलैक्स। और पूरी रीढ़ की हड्डी में जो एनर्जी का फ्लो चल रहा है उसे देखें। वहाँ पर सेंसेशंस को अनुभव करने वाले को देखें।
लास्ट टेल बोन तक चले जाएं, रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर हिप्स, जंगा, घुटने, पिंडलियां, टखना, टोज, पांव का तलवा, पांव, अंगुलियां, फिंगर्स, होल बॉडी रिलैक्स एंड सी इन फ्लो होल बॉडी एनर्जी फ्लो। आत्म प्रदेशों के प्रकंपन को जाने देखें, सिर से पांव के तक, पांव से सिर तक जो प्रकंपन हो ही रहा है उसको दृष्टा भाव से जाने देखें। मैं इन आत्म प्रदेशों का भी दृष्टा हूँ, शरीर का भी दृष्टा हूँ, विभाव की स्वभाव की स्थितियों का भी दृष्टा हूँ। पुनः पांव के अंगूठे से लोअर पार्ट तक आ जाएं, दोनों पांव में एक साथ देख लें एनर्जी का फ्लो। अपना सारा ध्यान अपने टेल बोन पर, रीढ़ की हड्डी पर ले आएं और वहां से देखते जाएं ऊर्जा का फ्लो कैसे ऊपर की ओर उठ रहा है। रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके से ध्यान करते हुए धीरे धीरे सिर के सिरे तक आ जाएं। मैं यहाँ से चार बार सोहम का उच्चारण करूँगा, आप सो के साथ नीचे से सांस लेते हुए ऊपर तक जाएंगे, टेल बोन से ऊपर तक, हम में वापस धीरे से छोड़ देंगे और उसके बाद शांत होकर बैठ जाएंगे। सो हम, सो हम, सो सो शांत, शिथिल, रिलैक्स, गो डीपर एंड डीपर। मैं आत्मा, सिर्फ आत्मा, शरीर मूर्ति के समान है। जब तक सूचना न मिले शरीर का कोई अंग नहीं हिलेगा। मैं आत्मा, मैं आत्मा। आनंद, शांति, सुख, समृद्धि से परिपूर्ण, संपन्न, सुख, शांति, आनंद का भंडार, तृप्त, प्रसन्न, जीवन के हर पल में, हर क्षण में मैं आनंद, शांति, सुख पूर्वक था, हूँ और रहूँगा। आज तक मैं अज्ञानवश मन, वचन, काया के स्तर पर जी रहा था। आज गुरु कृपा से मुझे अगला स्तर प्राप्त हुआ, आत्मा के स्तर पर। कितना सुख है जो कभी अंत नहीं होता, वो शांति है जो निरंतर बढ़ती ही जाती है, वो आनंद है जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। हमेशा आनंद में रहना यही धर्म का व्यवहारिक पक्ष है। हर हाल में, हर परिस्थिति में आनंद में रहते हुए मैं
इस मन वचन काया से पार ऊपर ऊपर उठते हुए अपने लक्ष्य सिद्धा सिद्धि मम दिशंत की ओर बढ़ता जाऊं। सिर से पांव के टंके अंगूठे तक पुनः आत्मप्रदेशों का अनुभव कर लीजिए और एक लंबा गहरा श्वास लीजिए प्रसन्न मुद्रा के साथ और मुस्कुराते हुए छोड़ दीजिए। और एक लंबा गहरा श्वास प्रसन्न मुद्रा के साथ धीरे धीरे छोड़ दीजिए। भीतर में परम आनंद शांति सुख का अनुभव करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाइए, कोमलता से स्पर्श कीजिए, धीरे से आंखें। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाना तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाना तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जाम, अरहंते शरणम पवज्जाम, सिद्धे शरणम पवज्जाम, साहु शरणम पवज्जाम, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा जो भव्य प्राणी उसका अजर अमर उसका सदा ही मम। उसी साधना को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उसी यात्रा में ये आत्म ध्यान के प्रयोग हैं। आप भी अपने जीवन में आनंद शांति सुख समृद्धि के लिए आत्म ध्यान का प्रयोग करें। ओम शांति। शिवोहम।